तमिल फिल्म बिगिल के ट्रेलर में ऐसा क्या खास है जिसकी तारीफ खुद शाहरुख खान कर रहे हैं। हेलो दोस्तों, बॉलीग्राड स्टूडियो से मैं हूं सानिया सैफी। दोस्तों, तमिल फिल्मों के सुपरस्टार विजय की अगली फिल्म बिगिल का ट्रेलर आ गया है। ये एक स्पोर्ट्स ड्रामा है और एक्टर विजय इस फिल्म में डबल रोल में होंगे। एक रोल होगा फुटबॉल कोच का जो देश के लिए खेलता है, दूसरा रोल होगा एक डॉन का। विजय के दोनों ही अवतार पसंद आने लायक हैं। खास बात यह है कि फिल्म को बॉलीवुड स्टार्स का भी सपोर्ट मिल रहा है। शाहरुख खान ने अपने ट्विटर अकाउंट से बिगिल की टीम को बधाई दी है। कहा जा रहा है कि शाहरुख का फिल्म में स्पेशल अपीयरेंस होगा, वो एक गाने में विजय के साथ डांस करते हुए नजर आएंगे। करण जौहर ने भी फिल्म के ट्रेलर को शेयर करते हुए इसे ब्लॉकबस्टर बताया है और वरुण धवन ने भी फिल्म का ट्रेलर शेयर किया है। फिल्म की कहानी क्या है? फिल्म की कहानी में दो लीड एक्टर हैं, एक माइकल जिसका निकनेम बिगिल है, वो फुटबॉल प्लेयर है, पहले देश के लिए खेलता था और अब लड़कियों की फुटबॉल टीम का कोच है जो मैच में इंडिया की तरफ से खेलेंगी। फिल्म में माइकल की प्रेमिका बनी है नयनतारा। दूसरा कैरेक्टर है रायप्पन का, वो अधेड़ उम्र का एक डॉन है लेकिन दिल का अच्छा आदमी है। लेकिन दोनों के बीच क्या कनेक्शन है ये फिल्म रिलीज होने के बाद ही पता चल पाएगा। पिछले फिल्मों की तरह इस फिल्म में भी विजय एक्शन करते हुए नजर आएंगे। ट्रेलर में वो फुटबॉल खेलते हैं, डांस करते हैं, एक्शन करते हैं, बाइक चलाते हैं, यानी लेफ्ट राइट सेंटर उन्हीं का जलवा है। लेकिन नयनतारा के हिस्से में कोई खास डायलॉग्स नहीं है। कॉमेडी और एक्शन के अलावा फिल्म बुराई पर अच्छाई वाला सोशल मैसेज देती है। ट्रेलर में माइकल और चक दे इंडिया के कबीर खान के कैरेक्टर में काफी समानताएं लग रही हैं, जैसे देश के लिए खेलना, फिर टीम से बाहर हो जाना, फिर इंटरनेशनल लेवल पर देश के लिए खेल रही लड़कियों की टीम को ट्रेनिंग देना। हो सकता है फिल्म रिलीज होने के बाद विजय की तुलना शाहरुख खान से भी की जाने लगे। तो फिल्म में कौन कौन काम कर रहा है? ट्रेलर से पता चल गया है कि विजय और नयनतारा लीड रोल में है, साथ ही जैकी श्रॉफ की झलक भी देखने को मिलती है। उनके अलावा काथिर, विवेक, योगी बाबू, देवदाशिनी, सिंधु रविचंद्रन और वर्षा बोलम्मा जैसे एक्टर काम कर रहे हैं। बिगिल को एटली कुमार ने बनाया है, इससे पहले वो मर्सल और थेरी जैसी फिल्में बना चुके हैं। इन दोनों फिल्मों के बाद विजय के साथ ये उनकी तीसरी फिल्म है। इसका बजट 180 करोड़ रुपए बताया जा रहा है और AGS एंटरटेनमेंट ने इसे प्रोड्यूस किया है। मेकर्स ने कहा कि भारत के अलावा इस फिल्म को चीन में भी रिलीज किया जाएगा। इस फिल्म में AR रहमान ने म्यूजिक दिया है। शनिवार को रिलीज होने के बाद से ट्रेलर को 2 करोड़ से ज्यादा बार YouTube पर देखा जा चुका है। ट्विटर पर भी हैशटैग बिगिल ट्रेलर ट्रेंड कर रहा है और लोग सोशल मीडिया पर ट्रेलर को खूब शेयर कर रहे हैं। ये फिल्म लोगों को कितनी पसंद आती है ये तो 27 अक्टूबर को ही पता चलेगा जब फिल्म रिलीज होगी। दोस्तों, इस फिल्म से जुड़ी सभी लेटेस्ट अपडेट्स जानने के लिए जुड़े रहिए बॉलीग्राड स्टूडियो से। मैं हूं सानिया सैफी, जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, लेकिन तब तक प्यार बांटते रहिए।